दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुंदरू के बारे में। आप लोग जरूर खाते होंगे, हर जगह मिलता है मार्केट में। कुंदरू के फायदे और उसके उपयोग और नुकसान के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इन सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कुंदरू अगर आप खाते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और पूरी देखना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे और नुकसान आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके जाएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस बारे में अगली वीडियो चाह रहे हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं। आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियोस बनती हैं, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप जरूर करके जाएं, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली कुंदरू होता क्या है। तो कुंदरू एक मौसमी फल है। इसका वैज्ञानिक नाम कोकिनिया कार्डिफोलिया है, और ये जो है कुकुरबिटेसी के परिवार से संबंध रखता है। कुंदरू बेल पर लगते हैं और बेल करीब 3 से 5 मीटर तक लंबी हो सकती है। यह पेड़ या फिर झाड़ी के सहारे फैलती है, जिस कारण यह पेड़ या फिर झाड़ी को पूरी तरह ढक लेती है। इसके फूल का रंग सफेद होता है। शुरुआत में इसकी खेती एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में ही होती थी, लेकिन समय के साथ साथ यह सब्जी पूरे विश्व में फैल गई और आज यह सभी देशों में अलग अलग नाम से प्रचलित है। और कुंदरू अनेक पोषक तत्वों से समृद्ध है, इसी कारण ही इसका इस्तेमाल जो है पूरे विश्व में होता है। और कई बार जो है इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसके फायदे ही कुछ ऐसे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो इसके फायदे की अगर हम बात करें, सबसे पहले पाचन के लिए, तो कुंदरू की सब्जी का सेवन करने से पाचन क्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए इसमें पाए जाने वाले फाइबर की भूमिका अहम होती है। एक शोध में पाया गया है कि फाइबर भोजन को पचाकर मल को शरीर से बाहर निकालने का बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। इसीलिए आपके खाने में फाइबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुंदरू के अंदर फाइबर बहुत ही अच्छे मात्रा में मिलता है, तो इसीलिए आपके डाइजेशन को, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी कुंदरू जो है बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो जब तक मिले तब तक आप इसको सेवन जरूर करें। इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी इसका बहुत अच्छा काम आता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने पर कई तरह के रोग जो है आपके शरीर में उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कुंदरू का सेवन कर शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को जो है बढ़ाने का काम किया जा सकता है। इसके लिए कुंदरू में मौजूद विटामिन ए फायदेमंद हो सकता है। विटामिन ए सकारात्मक रूप से इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, इसीलिए कुंदरू के फायदे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी आप जो है इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद थकान के लिए, मान लीजिए आलस रहता है, थकान रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो उस कंडीशन के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कई लोगों में किसी भी तरह का काम करने पर जल्दी थकान महसूस होने लगती है। थोड़ा सा दौड़ देंगे, थोड़ा सा काम कर देंगे तो थकान महसूस होने लग जाएगी। थकान की समस्या से राहत पाने के लिए आपको जो है आयरन का सहारा लेना चाहिए। आयरन आपके बॉडी में है तो आपको थकान नहीं होगी। वही कुंदरू में प्रचुर मात्रा में आयरन भी पाया जाता है, इसीलिए कुंदरू आपके थकान को दूर करने के लिए एक बेहतर जो है ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए आपको कुंदरू का भी सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो है डिप्रेशन। डिप्रेशन के कारण कई लोग जो है मानसिक संतुलन खो देते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सहायक होता है। विटामिन ए और विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त रूप से पाया जाता है। वही कुंदरू को विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत माना गया है, इसीलिए कुंदरू खाने के फायदे में डिप्रेशन को खत्म करना भी शामिल है। यानी कि अगर जो लोग डिप्रेशन चिंता से दूर रहना चाहते हैं, ज्यादा परेशान हैं, उन लोगों को कुंदरू का सेवन जरूर करना चाहिए। उसके अलावा मधुमेह में, डायबिटीज के अंदर, मधुमेह के दौरान विशेषज्ञ कुछ सब्जियां व फलों का सेवन करने से मना करते हैं। ऐसे में कुंदरू का उपयोग मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। कुंदरू में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है, जो रक्त में शुगर के स्तर को संतुलन में बनाए रखने का काम करता है, जिसमें मधुमेह की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसीलिए मधुमेह वाले यानी डायबिटीज वाले भी कुंदरू का सेवन करें तो उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। उसके अलावा किडनी स्टोन के लिए, किडनी स्टोन को दूर करने के लिए कुंदरू का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल कुंदरू में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम पाचन तंत्र में स्टोन के बनने की सभी आशंकाओं को कम करने में सहायक होती है, इसीलिए जिनको बार बार किडनी स्टोन होने का संभावना रहता है, तो जब तक कुंदरू मिल रहा है आपको कुंदरू का सेवन करना चाहिए। उसके बाद है हृदय के लिए, कुंदरू अनेक पौष्टिक गुणों से समृद्ध होता है, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखने का काम भी कर सकता है। कुंदरू में विभिन्न प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और मुख्य रूप से कार्डियो प्रोटेक्टिव गतिविधियों की तरह काम करते हैं। ये हृदय रोग का कारण बनने वाले जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको जड़ से खत्म करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। तो इसीलिए जो लोग भी हृदय रोग से परेशान हैं या फिर संभावनाओं को खत्म करना चाहते हैं, तो
लोग कुंदरू जरूर खाना चाहिए। उसके बाद जो है नर्वस सिस्टम के लिए, नर्व से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, एक शोध के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट नर्वस सिस्टम से जुड़े रोगों से निपटने का काम कर सकता है, जिसमें नर्व सिस्टम को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं एक अन्य अध्ययन के अनुसार कुंदरू में विटामिन सी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, इसीलिए कुंदरू के फायदे में नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं में भी कारगर साबित होता है। उसके बाद जो है वजन घटाने के लिए, वजन को घटाने के लिए कुंदरू का उपयोग किया जा सकता है। कुंदरू में फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है जो वजन को कम करने में सहायक हो सकता है। फाइबर भोजन को पचाने के साथ साथ भूख को शांत करने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा कैंसर में, कैंसर को सबसे घातक बीमारी माना गया है। इस रोग में पीड़ित मरीज के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो जाया करते हैं। वहीं कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनका सेवन करने से कैंसर को होने से रोका जा सकता है। अगर हो गया है तो आपको इलाज कराना ही है, लेकिन अगर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करते रहते हैं तो आपको जो है कैंसर होने से रुक सकता है, कैंसर होने की संभावनाओं से जो है आपको कम किया जा सकता है। इनमें से एक कुंदरू भी है। कुंदरू में एंटी कैंसरस गुण पाए जाते हैं, तो इस बीमारी को होने से रोकने में आपकी मदद कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आप कुंदरू का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब हम बात करते हैं उपयोग की, कैसे इसको उपयोग किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता ही होगा सबसे ज्यादा लोग इसको सब्जी में उपयोग करते हैं। कुंदरू की चटनी बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है। कुंदरू को कई सब्जियों के साथ मिलाकर मिक्स वेज भी बनाया जा सकता है। कुंदरू से वड़ा भी लोग बना करके खाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर हम बात करें कि इसे कब खाना चाहिए, तो इसे सब्जी या फिर चटनी के तौर पर दोपहर या फिर रात में खाने के साथ खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा फायदा देखा जाएगा। और कितना खाया जा सकता है, तो एक समय में एक कटोरी कुंदरू की सब्जी आप जो है खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके लिए फायदा होगा। नुकसान की अगर हम बात करें, तो कुछ लोगों के अंदर नए खाद्य पदार्थ के सेवन से जो है एलर्जी होती है। तो जिन लोगों को किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो उन्हें कुंदरू के सेवन से बचना चाहिए। कुंदरू आप खा करके एक बार देख ले, अगर एलर्जी हो रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। काफी लोगों को जैसे मूंगफली से एलर्जी होती है, तो उसी प्रकार जो है कुंदरू से भी काफी लोगों को एलर्जी होती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। पके हुए और कड़वे कुंदरू का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं, तो कुंदरू खाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पौष्टिक आहार है जो अगर किसी भी प्रकार की दवा ले रहे हैं तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है उस रोग पर देखा जा सकेगा। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी रखते हुए ही आपको कुंदरू का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।